मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है रूही सिया। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सारा काम वाम करके फ्री होकर फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, एकदम जस्ट फेस धोकर अभी आई हूँ और अब जा रही मैं जल्दी से। आज है हमारा सेकेंड डे मिड टर्म, तो हम जल्दी से जा रहे हैं फटाफट तैयार होने और फिर हम जाएंगे कॉलेज। तो चलते हैं तैयार होने, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होकर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज की जो मुझे कॉलेज पहन के जाना था, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्यूटी क्यूटी लुक लग रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो में कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा अपना मेकअप कर लूँ। तो सबसे पहले लगाया मैंने फेस में मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र को लगाते लगाते मैं इतना क्यूट सा सकल बनाती हूँ ना गाइस कि आप देख के खुश हो जाओगे। वैसे तो मैं क्यूट हूँ, इसमें डाउट नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्यूट हूँ। तो वही अपनी क्यूट सा फेस बना रही थी मेकअप को लगाते लगाते, मतलब मॉइस्चराइज़र को लगाते लगाते। और मेरी आदत है मॉइस्चराइज़र को अच्छे से लगाती हूँ मैं चारों ओर, अच्छे से चारों मतलब चारों ओर फेस में बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ आराम आराम से प्यार से। तो वही लगा रही थी मैं मॉइस्चराइज़र को अच्छे से। उसके बाद फिर मैं तो ऐसे अक्सर बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, ठंड का टाइम है तो ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करती हूँ फेस को और बहुत कम मेकअप का इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज़ ठंड का मौसम में मेकअप उतना काम भी नहीं आता, मतलब अजीब सा दिखता है थोड़ा। वैसे पार्टी वार्टी में जाना थोड़ा था तो मुझे तो कॉलेज जाना था, इसकी वजह से मैंने एकदम सिंपल मेकअप करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड कर रही थी चारों ओर। फेस मसाज होता है ना, फेस मसाज करना ज़रूरी होता है, तो इस वक्त ही कर रही थी और मिरर में देख भी रही थी और बस अपना फेस थोड़ा थोड़ा बना रही थी क्यूट क्यूट सा। मुझे अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह जब आप उठोगे ना तो फ्रेश फील करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने लगाया एकदम हल्की सी बीबी क्रीम नाम की, बहुत ही कम, मतलब नाम के लिए। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ ठंड के टाइम ज़्यादा कोई भी क्रीम या फिर फाउंडेशन वगैरह, तो बहुत कम मैंने बीबी क्रीम लगाया और उसी को चारों ओर हाथ से ही ब्लेंड कर दिया, ना कोई ब्लेंडर ना कुछ, हाथ से ही चारों ओर अच्छे से मतलब घिस घिस के चारों ओर लगा दिया और उतना ही में हल्की सी लुक आई। मैं सोच रही थी ज़्यादा ना हो जाए मेरा मेकअप और साथ में वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हमें प्यारी लग रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था खुले बालों के साथ खेलना, साथ में खेल भी रही थी। फिर मैंने लगाया बोरुलिन लिप को भी मसाज किया ठंड के टाइम में। अभी मतलब ऐसे मैं नॉर्मल मैट लिपस्टिक या लिपस्टिक अच्छे से लगा के जाती हूँ, पर अभी बोरुलिन के ऊपर ही लिपस्टिक हल्के हल्के लगा के कॉलेज जा रही हूँ मैं आजकल। तो फिर हल्की सी ही लिपस्टिक लगाती हूँ बस नाम की, थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिखता है बाकी, मतलब वैसे तो मेरी लिपस्टिक मैरून कलर की थी तो भी रेड दिखता है बोरुलिन के ऊपर लगाने के बाद, एकदम हल्का सा नाम का जैसे वो पिंक पिंक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। उसके बाद क्या, मेरा मन तो ऐसे ही करता है कि मैं खुला बाल ही चली जाऊँ कॉलेज, बस फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, बी ए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के लाइक बनना चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर बाल को पोनी कर लिया और उसके बाद किचन चली गई टिफ़िन लेने के लिए। टिफ़िन मैंने सोचा टिफ़िन ले लूँ बट टिफ़िन नहीं लिया, फिर मैं टिफ़िन नहीं लेती हूँ और जल्दी ही निकल जाती हूँ कॉलेज में। फिर मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी कॉलेज। मैं सारा काम और निपटा कर तैयार होकर कॉलेज आ गई और अभी सब लोग बाहर हैं धूप में बैठे हुए और मैं भी क्लास में आकर बैठी हूँ। मैं भी जा रही थोड़ा उन लोगों के साथ गुपचुप करने की बातचीत वगैरह, उसके बाद फिर से हमारा मिड टर्म स्टार्ट होगा। आज हम लोगों का दो मिड टर्म है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड कंपाइलर डिज़ाइन, तो रेडी हूँ उसके लिए, देखते हैं कैसा जाता है। मिड टर्म ख़त्म होने के बाद हम लोग चले जाते हैं कॉलेज से बाहर और मिड टर्म का लास्ट डे भी रहता है और हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग या तो एडमिट कार्ड लेने आएंगे या एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसलिए हम लोगों के एक फ्रेंड में से एक बहुत अच्छा गाना गाता है दिव्यांश, तो हम लोग उसी का गाना बैठ कर सब लोग सुन रहे थे और उसके साथ गा भी रहे थे और मज़े कर रहे थे और साथ ही साथ हम बस का आने का इंतज़ार भी कर रहे थे। फिर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ठीक 1:20 में हमारी बस आई। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है रूही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। कॉलेज से
आ चुकी हूँ रूम, पर मुझे अभी बनाना पड़ेगा खाना, थक गई हूँ। रास्ते में अनार लिया, 10 रुपए के 2 अनार, मतलब सस्ते थोड़ा दे रहे थे तो मैंने ले लिया। सबसे पहले जाके अनार खाती हूँ, रूम को भी थोड़ा अच्छा करना होगा बिकॉज रूम भी खराब ही हो रखा है। और देखते हैं क्या बनाते हैं। ये देखो छोटे छोटे अनार, मतलब मुझे लगता है घर में फला हुआ अनार था इसीलिए थोड़ा सस्ता बेच रहा था, नहीं तो बेचता भी नहीं, महंगा ही आता। तो इसको काट के खाएंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो चलते फटाफट, फिलहाल बनाते, मतलब ये सब अरेंज करने के बाद, खुद को भी अच्छे से अरेंज करने के बाद खाना बनाते हैं। और क्या बनाती हूँ देखती हूँ। सो फ्रेंड्स, फिलहाल रूम ठीक करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अब जा रहे हैं हम चावल बनाने। पर हम पहले, सबसे पहले चावल चढ़ा देते हैं, मीन्स भात बनाना, भात बोलते हैं ना, जानते हैं भात, मतलब चावल चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर अनार काट के खाएंगे। चलते हैं फिलहाल। ताला लगा हुआ है इसमें भी, किचन में जब हम कहीं जाते हैं तो किचन में भी ताला लगा के जाते हैं, तो वो भी लगा पड़ा है, तो उसको फिलहाल खोल देते हैं। ये खुल जा सैमसंग, तो खुल जा ये। और ये रहा मेरा किचन का हुलिया, फिलहाल नीट एंड क्लीन है, बस थोड़ा देर में ही गंदा हो जाएगा। तो फिलहाल चावल चढ़ा देते हैं फटाफट। चावल को चढ़ा चुकी हूँ गैस चूल्हे पे, तो चलते हैं प्लेट लेके अनार को कट कर। फिर मैं अपने अनार को लेके स्टाइल से काटने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने चारों ओर काटा, फिर उसको बिखराया और उसके बाद दाने निचोड़ निचोड़ के निकाल निकाल के खा रही थी। ये दाना थोड़ा सा इसके बीच में, वो बीज भी था थोड़े थोड़े, लेकिन अच्छे थे, फ्रेश लगा मुझे खाने में। फिर खा के फिनिश करने के बाद इसके छिलके को रख दिया कूड़ेदान में ले जाकर। सो फ्रेंड्स, खाना भी खा ली मैं, खाना बन चुका था मेरा सब्जी चावल और वो भी खा ली। सिस्टर से थोड़ी बहुत बात करते करते खा भी ली मैं, और अब दीपू बाबू का भी इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है। और अब चलती हूँ पढ़ने, बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हैव द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।